Funtouch TV channel presents Sarah's Kitchen, Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। मैं आज आपके लिए टूना सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है मैं आपको बता देती हूँ। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। सबसे पहले आप सैंडविच ब्रेड ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप किनारे रिमूव करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप किनारों के साथ ये सैंडविचेस बना लें। साथ ही सबसे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है टूना, ये मैंने टिन लिया है, ये इस तरह का, ये बाजार से आराम से ये इसके चंक्स मिल जाते हैं टूना के, ये आप एक टिन ले लें। साथ ही मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं, छोटी सी एक प्याज जो है उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, ये चार से पाँच टेबलस्पून मेयोनीज ली है मैंने, और थोड़ी सी ये बंद गोभी जो है वो बारीक काट लें, और ये कोई भी आपके पास हर्ब है मैं ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ये पानी होता है, प्रिजर्वर होता है, ये पानी जो है आपने इसको इसमें से गिरा देना है। इसका तरीका ये है कि आप ये इसका जो कवर है खोल के इसको इस तरह से रखेंगे और ये इस तरीके से सारा पानी जो है हम ड्रेन कर लेंगे। अच्छा देखिए, पानी जो है मैंने इसका सारा जो है पानी ड्रेन कर लिया है। अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं हम शामिल करते हैं। मेयोनीज है, अभी मैं फिलहाल इसमें 3 टेबलस्पून मेयोनीज डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कि मटेरियल ड्राई है तो मैं थोड़ी सी और शामिल कर दूंगी इसमें। ये प्याज बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है प्याज को। थोड़ा सा ऑरिगेनो, काली मिर्च, बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्च, और इसी तरह 1/4 टीस्पून के बराबर आप नमक डाल दें। अब इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा मैं मेयोनीज 1 चम्मच और इसमें डालूंगी ताकि जो सैंडविचेस हैं वो ड्राई ना हो। अब ये मटेरियल बिल्कुल रेडी है सैंडविच बनाने के लिए। अच्छा, मैं किनारे जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ना करना चाहें तो आप उसके साथ भी सैंडविचेस बना सकते हैं। इस तरीके से मैं तमाम जो ब्रेड मैंने यूज़ करनी है उसके मैं किनारे रिमूव कर लूँगी। किनारे रिमूव करने के बाद आपने थोड़ा सा जो मेयोनीज है वो ब्रेड के ऊपर लगाना है। ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के बराबर होगा। आपकी ब्रेड के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, अगर आप छोटी ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा लगाएं। मेयोनीज लगाने के बाद आपने 1, 2 ये तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून जो है जो मटेरियल हमने तैयार किया है उसमें से आपने लेके एक ब्रेड पे स्प्रेड करना है। बहुत हल्का आप मटेरियल मत लगाइएगा, फिर इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। एक टिन से आप 4 सैंडविचेस बड़े साइज के बना सकते हैं। इसको स्प्रेड करने के बाद थोड़ी सी बंद गोभी,
फिर सलाद के पत्ते, अब आप जो दूसरा स्लाइस है ऊपर रखते हैं और कटिंग कर लेते हैं सैंडविच की। ये देखिए सैंडविच रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी है। जी व्यूअर्स, टूना फ्लेक्स के साथ हमने टूना सैंडविचेस रेडी किए हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। आप चिकन सैंडविचेस तो खाते होंगे, ये बिल्कुल ही एक आपको यूनिक टेस्ट देगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और आपकी जो भी राय है या कोई आप कॉमेंट के ज़रिए फरमाइश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।